एक मर्तबा नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहि सलातु वस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया और हजरत इब्राहिम से कहने लगा, ए इब्राहिम, तुम्हारा रब कौन है जिसकी तुम इबादत करते हो और लोगों को उसकी तरफ बुलाते हो? तो हजरत इब्राहिम अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वही है जो लोगों को जिंदा करता है और मौत देता है। तो नमरूद ने कहा, यह तो मैं भी कर सकता हूं। तो नमरूद ने जेल से दो कैदी बुलवाए। उन दो कैदियों में से एक वो था जिसको फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी और दूसरा वो कैदी था जो रिहा होने वाला था। नमरूद ने फांसी पाने वाले को छोड़ दिया और जो रिहा होने वाला था उसको फांसी दे दी और कहने लगा, देखो, जो मरने वाला था उसको मैंने जिंदगी दे दी और जो जिंदा था उसको मैंने मार दिया। तो हजरत इब्राहिम अलैहि सलातु वस्सलाम समझ गए कि नमरूद बिल्कुल ही बेवकूफ इंसान है, जिंदा करने और मारने का यह मतलब समझ बैठा है। तो इब्राहिम अलैहि सलातु वस्सलाम ने फिर नमरूद से कहा, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू सच में खुदा है तो एक दिन सूरज को मगरिब से निकाल कर बता। इब्राहिम अलैहि सलातु वस्सलाम की यह बात सुनकर नमरूद लाजवाब हो गया और मुनाजरा हार गया।